तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बनाएंगे बैंगन आलू की सब्जी। बैंगन आलू की सब्जी की जब बात आती है तो हम सोचते हैं भाई ऐसी रेसिपी बनाए जो चटपटा बने, टेस्टी बने। तो चलिए आज रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बैंगन आलू की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बैंगन लिए हुए 4 बड़े साइज़ के। उसे अच्छी तरह से क्यूब साइज़ में काट लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं बैंगन को अच्छी तरह से काट लेती हूँ। और इसे कट करने के बाद हम इसमें थोड़े से आलू को भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने आलू और बैंगन दोनों को यहाँ पे ऐड कर लिया है और साथ में इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है ताकि जो इसका गंदगी है वो निकल जाए। अब यहाँ पे हम कुछ मसाले लेंगे। मसाले लेने के लिए यहाँ पे टमाटर कट किया, प्याज है, मटर है, धनिया पत्ता और मिर्ची है। तो चलिए हम अपनी कढ़ाई की ओर चलते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। यहाँ पे मैंने सरसों तेल डाल दिया है, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सरसों का यहाँ पे तड़का लगा दिया है। अब फ्रेंड्स, इसमें हम लोग कटे हुए प्याज का इस्तेमाल करेंगे। प्याज जो है अच्छी तरह से ब्राउन होने देंगे। तो ब्राउन मेरे प्याज लगभग हो चुके हैं। तो अब हम इसमें जो मैंने आलू और बैंगन को काटा था अब उसे हम इसमें मिक्स कर लेंगे। तो चलिए मेरे प्याज जो है ब्राउन हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं बैंगन और आलू को डाल देती हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। तो देखिए मेरे बैंगन आलू जो है वो अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे स्पाइसी बनाने के लिए यहाँ पे 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे 2 हरी मिर्च भी डाल लें आप अपने अनुसार ही डालें जितना आपको स्पाइसी खाना है। यहाँ पे हम मटर का ऐड करेंगे। मटर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लगभग मेरे जो सब्ज़ी है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गई, ब्राउन हो गई है। अब यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। आप चाहे तो खुद भी इसका पेस्ट घर में बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से सबको मिक्स कर लिया है, यहाँ पे भून लिया है। इसका स्वाद अच्छे से उभर कर आ गया है। तो इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे नमक अनुसार, जितना आपको स्वाद चाहिए उतना स्वाद अनुसार लें। 1 चम्मच हल्दी लें और बस ये दोनों चीज़ को डालकर अच्छे से मिक्स करके इसे अच्छी तरह से भून लें ताकि जो हल्दी का कच्चापन है वो निकल जाए। अब यहाँ पे हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो देखिए पहले मसाले ऐड करने से पहले यहाँ पे टमाटर यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कटे हुए टमाटर का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे इसको डाल दिया है और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मेरी जो है सारी सब्जियाँ अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब यहाँ पे 1 चम्मच धनिया पाउडर और यहाँ पे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच देगी मिर्च और यहाँ पे थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और गरम मसाला ऐड करें। और देखिए ये मसालों को ऐड करने के बाद मैंने इसमें मिक्स कर लिया और हमारे जो मसाले हैं वो लगभग अच्छी तरह से भून चुके हैं। इसका फ्लेवर आ चुका है। तो ये देखने में कितनी अच्छी लग रही है। तो ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है फ्रेंड्स उतना खाने में भी अच्छी लगेगी। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे फ्लेवर के लिए कस्तूरी मेथी भी ऐड कर लें। मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे एक वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसी ही रेसिपी अपने लाती रहती हूँ चैनल पर। और मेरा नाम है पूजा शर्मा और मेरे चैनल का नाम है PS अनुष्का कुकिंग चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कटे हुए धनिया पत्ता का भी इस्तेमाल कर रही हूँ और लास्ट में हम इसे डालकर और 1 कटोरी पानी डालकर इसे अच्छी तरह से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे ताकि जो हमारे आलू बैंगन है वो अच्छी तरह से पक जाए। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी कैसी लगी? ये जो हमारी जो रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी है, बनके तैयार है। देखिए कलर कितना अच्छा आया है और कितना अच्छा लग रहा है।